हेलो एवरीबॉडी, किया को इंडिया में आए हुए हो चुके हैं 5 साल। उस ओकेशन पे इन्होंने कैरेंस, सोनेट और सेल्टॉस का जो ग्रेविटी एडिशन है वो निकाल दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि सोनेट के ग्रेविटी एडिशन में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, किन वेरिएंट्स के ऊपर या फिर नीचे ये आती है, एग्जैक्ट प्राइस क्या है और क्यों आज की तारीख में सोनेट का सबसे भयंकर और सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यही है। लेकिन उससे पहले आज मैं आ चुका हूँ कहाँ पे, गैंजिस किया में। तो अगर आप कैलकटा या फिर वेस्ट बंगाल में कहीं से भी बिलोंग करते हो और आपको किया की कोई भी कार लेनी है, शोरूम पे आ जाना। हावड़ा में शोरूम सिचुएटेड है। शोरूम का जो एड्रेस है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जो गूगल मैप का लिंक है, देख सकते हो। भर भर के इनके पास स्टॉक है, सारे कार्स का ग्रेविटी एडिशन भी है, बाकी भी तमाम वेरियंट इनके पास आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपना जो सोनेट है इससे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इनका जो HTK+ वेरियंट है, HTK+ और HTX के बीच में ग्रेविटी एडिशन इन्होंने उतार दिया है। तो कहीं ना कहीं HTK+ का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन आप इसको मान के चल सकते हो। लेकिन जो फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं ना, और एंड में जो मैं प्राइस बताऊंगा, छोड़ो शुरू में ही मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको बेटर आइडिया मिल पाए। ये जो अपना ग्रेविटी एडिशन है सोनेट में, ये आपको मिल जाता है पेट्रोल मैनुअल में अगर आप लेते हो तो, एक शोरूम है जस्ट 10.5 लाख रुपये, ओनली 10.5 लाख रुपये। तो इस प्राइस पॉइंट में जो आपको तगड़े वाले फीचर्स मिलते हैं ना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस सेगमेंट की कार से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। सामने से कोई ये बता ही नहीं पाएगा कि ये एक लोअर वेरिएंट है, ये एक टॉप वेरिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वही टॉप वेरिएंट वाला आपको टाइगर नोज ग्रिल दिया गया है। यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक के इंसर्ट्स है। हेडलैम्प सेटअप की बात करें तो ऑल LED में आपको यहाँ पे सेटअप दिया गया है। DRL आपको यहाँ मिलते हैं, फिर हाई बीम, लो बीम सब यहाँ पे है। और जो फॉग लैम्प है ये भी आपको LED में मिलता है। जो DRLs है यही अपना टर्न इंडिकेटर्स के तौर पे भी स्विच हो जाता है। जस्ट इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको सामने फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी किया वालों ने दे दिया है। देख सकते हो भाई, कहीं से भी कमी नहीं है सामने से, अगर आप इसको एक लोअर वेरिएंट के लिहाज से देखते हो। आ जाते हैं साइड में, यहाँ पे ORVs पे ही टर्न इंडिकेटर्स इन्होंने डाल दिया है। नीचे यहाँ पे अलॉय व्हील्स तक इन्होंने दे दिया है, वो भी 16 इंचेस के। टॉप मॉडल में बिल्कुल सेम यही अलॉयज आते हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है आप खुद देखो। प्रोफाइल की बात करें तो 215/60R16, सेक्शन भी अच्छा खासा चौड़ा आपको यहाँ पे मिलता है। ग्रेविटी एडिशन में ये जो बैज है ग्रेविटी की, ये आपको कार के दोनों तरफ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे डोर हैंडल आपको बॉडी कलर मिलते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है। तो चाबी कैसी होगी? जी हाँ, बिल्कुल टॉप मॉडल वाली प्रीमियम चाबी आपको यहाँ पे ऑफर की गई है किया का लोगो। यहाँ पे लॉक, अनलॉक और जो बूट है इसको खोलने का बटन मिल जाता है। कितनी प्रीमियम चाबी है खुद आप यहाँ से देख सकते हो भाई साहब, ठीक है। रूफ रेल आपको प्रॉपर यहाँ पे मिल रहा है, ऊपर शार्क फिन एंटेना हो गया। पीछे बात करें तो पीछे आपको यहाँ पे मिल रहा है ड्रम ब्रेक्स, ठीक है। तो ये थी साइड से कहानी। पीछे यहाँ पे ग्रेविटी एडिशन में ये जो स्पॉइलर आप देख रहे हो ना, ये भी ग्रेविटी एडिशन का पार्ट है, ताकि पीछे से कहीं से भी ये कम स्पोर्टी ना लगे। तो जबरदस्त वाली लुक पीछे से भी इन्होंने दे दिया है ग्रेविटी एडिशन में। अब आपको पीछे वाइपर देखने को मिल जाता है, हाई मोटर स्टॉप लैम्प तो है ही, वॉशर है, डिफॉगर है, और ये जो टेल लैम्प्स है ये भी अब आपको फुल LED में मिल जाता है, वो भी कनेक्टेड वाले। जो ब्रेक लैम्प है ये भी अपना LED है, जस्ट जो इंडिकेटर है ये हैलोजन है। सोनेट की बैजिंग यहाँ पे है, किया की बैजिंग यहाँ पे है, और पीछे आपको जो कैमरा है ये तो मिल ही रहा है, और दो प्रॉपर पार्किंग सेंसर्स भी आपको पीछे दे दिया गया है। रिवर्स लैम्प कार का आपको यहाँ पे मिलता है। खोल लेते हैं इसका बूट, बूट स्पेस भी देख सकते हो आपको बहुत ज़बरदस्त मिलता है यहाँ पे। विदाउट पार्सल ट्रे बहुत भयंकर बूट स्पेस आपको मिल रहा है। पार्सल ट्रे अगर आपको चाहिए तो शोरूम से आप एज एन एक्सेसरी लगवा सकते हो। वैसे 383 या फिर 384 लीटर्स का कुछ बूट स्पेस है, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है। पीछे स्पेयर व्हील भी आ रहा है, जो कि 195/65R15, एक साइज छोटा सेक्शन आपको स्पेयर व्हील पे मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं फटाफट अंदर, और इंटीरियर का जो तामझाम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप नज़र डालो, ये जो इंडिगो ब्लू का फिनिश देख रहे हो, ये आपको नॉर्मल हल्का पतला नहीं है, ये आपको सॉफ्ट टच लेदराइट फिनिश में मिल रहा है। और स्टिचिंग देखो कितनी प्रीमियम है। नॉर्मल जो वेरियंट HTK+ विदाउट ग्रेविटी, उसमें ये सब कुछ हार्ड प्लास्टिक आता है, बट यहाँ पे प्रीमियम फिनिश देने की पूरी कोशिश की गई है। स्पीकर यहाँ पे है, ट्विटर यहाँ पे है, ORVM इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है, चारों के चारों पावर विंडोज है, ड्राइवर साइड वन टच अप एंड डाउन है, बॉटल होल्डर भी प्रॉपर यहाँ पे मिलता है, अम्ब्रेला होल्डर भी आपको एक यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो हाइट एडजस्टेबल सीट्स है, बट यहाँ तक मामला अपना सीमित नहीं है। ग्रेविटी एडिशन में ये जो लेदर राइट सीट्स आपको मिल रही है ना ब्लू कलर में, ये आपको दिया गया, जो कि खुद आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। क्योंकि आफ्टर मार्केट आप जो सीट कवर लगवाते हो ना कहीं कुछ टाइम बाद फट जाती है, रिंकल्स आ जाती है, जो कंपनी आपको लगा के दे रही है इनबिल्ट उसकी मैच वो नहीं कर पाती।
यहाँ पे भी कुछ आपको बटन्स मिल जाते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ का बटन और आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। हेडलाइट लेवलर भी यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हो, आपको एक डेड पेडल भी इस कार में मिल जाता है। तो आ जाते हैं अंदर। भाई कौन बता पाएगा कि ये एक लोअर मॉडल है। एक सेकंड, जो क्लस्टर है, डिस्प्ले विस्प्ले है, ये जरा मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए, बिल्कुल वही टॉप मॉडल वाला, आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील इन्होंने दे दिया, लेदर रैप दे दिया पूरा स्टिचिंग के साथ, कितना प्रीमियम स्टिचिंग क्वालिटी है देख सकते हो। ग्रिप भी स्टीयरिंग व्हील की बेहद जबरदस्त आपको यहाँ पे मिल जाती है। ऑडियो के सारे कंट्रोल्स आपको लेफ्ट साइड पे मिलते हैं। ये जो अपना सेमी डिजिटल MID है, इसको ब्राउज करने के फंक्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। लोअर वेरिएंट है इसीलिए फुल डिजिटल वाली MID आपको नहीं दी गई, बट इसकी भी डिस्प्ले काफी अच्छी आपको मिलती है, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल शिपिंग मोड में कार है, इसको जरा ओके करके डिसेबल कर देते हैं और ये हो चुकी है अपनी डिसेबल। TPMS आपको मिल रहा है, फिर यूजर जो सेटिंग्स है अपने, कितने सारे सेटिंग्स आप खुद देख सकते हो। फिर जो अपना फ्यूल इन्फॉर्मेशन है, अपना सारा कुछ तामझाम यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी वैसे कूल है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स इन्होंने डाल दिया इस वेरिएंट में। वाइपर बेशक आपको मैनुअल मिलता है, और यहाँ पे देखो 8 इंच का आपको मिल जाता है टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, पूरा ग्लॉस ब्लैक के सराउंड में ये अपना लोकेटेड है। टच रिस्पॉन्स देख सकते हो कितना जबरदस्त आपको यहाँ मिलता है, लैग वगैरह नहीं है, बहुत जबरदस्त आपको ये स्क्रीन दिया गया है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सभी यहाँ पे वायरलेस चल जाता है भाई। हैजार्ड लैंप का स्विच यहाँ पे है, फिर एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे है, ऑटोमेटिक एसी इन्होंने डाल दिया, और बटन्स की जो क्वालिटी है, फिट एंड फिनिश है, ये भी बहुत जबरदस्त है। किया की जो कार्स होती है, इनकी हर एक बटन ले लो, क्वालिटी लेवल्स ले लो, फिट फिनिश ले लो, बहुत ही नेक्स्ट लेवल होती है, कहीं पे भी शिकायत की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपको स्टीयरिंग व्हील पे दिया गया है। यहाँ पे अपना हो गया है मैनुअली डिमिंग IRVM, यहाँ पे सनग्लास होल्डर डाल दिया इंसुलेशन के साथ, और केबिन लाइट्स आपको येलो कलर में अवेलेबल यहाँ पे कराया गया है। इस वेरिएंट में बस एक सनरूफ की कमी है, वो नहीं है, वो अगर होता तब तो नेक्स्ट लेवल हो जाता वेरिएंट, बट टू बी ऑनेस्ट सनरूफ एक फैंसी फीचर है, उतना ज़्यादा काम करनी है। हाँ, होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ पे एक वैनिटी मिरर है, यहाँ पे आपको दिया गया है एक टिकट होल्डर, और मेन जो खास निशानी है ग्रेविटी एडिशन की, वो है यहाँ पे आपको इनबिल्ट कंपनी की तौर से देख सकते हो किया का लोगो, एक डैश कैम मिल रहा है। अंदर का लेंस यहाँ पे है, बाहर का लेंस आपको यहाँ पे मिलता है, इसको आप ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अंदर बाहर दोनों का ये फुटेज रिकॉर्ड करता है, और इंडिया जैसे कंट्री में डैश कैम का होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आपकी खुद की सेफ्टी के लिए बन जाता है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स है डिसेंट साइज का, और ग्रेविटी एडिशन का पार्ट मैं आपको दिखा दूँ कि ये वायरलेस चार्जर अब आपको दे दिया गया है, और जस्ट नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे वेंट देख रहे हो, इसमें कूलिंग का भी फंक्शन है ताकि चार्जिंग के वक्त आपका फोन ओवरहीट ना हो जाए। यहाँ पे एक टाइप सी का सॉकेट है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे एक टाइप ए का आपको यूएसबी पोर्ट डाल दिया, फोन रखने का कुछ स्पेस यहाँ पे। अपना पेट्रोल लेते हो तब आपको 5 स्पीड मिलेगा, डीजल लेते हो तो आपका 6 स्पीड गियरबॉक्स आ जाएगा, ठीक है। रिवर्स कैमरे की क्वालिटी चेक कर लेते हैं, कैमरा की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है, और जो गाइडलाइंस है ये देख सकते हो आपको अडेप्टिव वाले दिया गया, जो कि बहुत ही जबरदस्त बात है। ट्विन कप होल्डर यहाँ पे है, चाबी को सटकाते हैं यहाँ पे। जो हैंड ब्रेक है ये भी आपको नॉर्मल फिनिश में दिया गया है, और ये आर्म रेस्ट भी अब आपको इस कार में मिल रहा है, जो कि सॉफ्ट टच है। स्टोरेज स्पेस भी वैसे इसमें अच्छा खासा है, ठीक है। तो जो सीट है इसको मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ, वैसे मेरे हिसाब से ही ये सेट है, 6 फीट मेरी हाइट है। तो चलता हूँ मैं पीछे, दिखा दूंगा कि स्पेस और अम्यूनिटीज़ क्या है, लेकिन उससे पहले आप हेडरूम देख सकते हो, हेडरूम भी मेरे को काफ़ी ज़बरदस्त मिल रहा है। ये वाली सीट है ना, पूरी की पूरी वैसे ऊपर सेट है। चलिए फटाफट मारते हैं सेकेंड रो में एंट्री, और सेकेंड रो में भी कार में बहुत सारे चेंजेस इन्होंने कर दिया है। इस साइड से तो मैंने आपको दिखा दिया, अब जरा इस साइड से एंट्री मार के मैं आपको दिखा देता हूँ, और इस साइड पर भी ये ग्रेविटी एडिशन का बैज आपको वैसे मिल जाता है। सबसे पहले डोर की बात करें तो ऐसे कुछ आपको मिल जाती है ओपनिंग, यहाँ पे आपको सन शेड्स दे दिया गया है इस वेरिएंट में, जो कि इंडिया जैसे कंट्री के लिए एक बहुत ही यूजफुल फीचर बन जाता है। अगेन वही इंडिगो कलर में सॉफ्ट टच ट्रीटमेंट डाल दिया, फिर पावर विंडो है, जो डोर हैंडल्स है वो सैटिन सिल्वर में है, यहाँ पे स्पीकर है, और अपना जो बॉटल होल्डर है वो भी अच्छा साइज का डाल दिया गया है। पीछे मेजर जो चेंज है ना ग्रेविटी एडिशन में, वो है कि इस वेरिएंट में अब आपको मिल रहे हैं एडजस्टेबल वाले हेडरेस्ट। नॉर्मल HTK+ में आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, फिक्स्ड ही मिलते हैं। नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी बीच में डाल दिया गया है 2 कप होल्डर्स के साथ, जो कि ग्रेविटी एडिशन का ही पार्ट है। और अगेन यहाँ पे जो ब्लू कलर के सीट कवर्स है, जो लेदर हाइट सीट्स है, वो भी डाल दिया है ग्रेविटी एडिशन के तौर पे। तो बैठ जाता हूँ मैं पीछे, और स्पेस मैं आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ। इस साइड पे आता हूँ, क्योंकि सामने ये वाली जो ड्राइवर साइड सीट है मेरे हिसाब से सेट है। तो 6 फीट मेरी हाइट है,
सीट को थोड़ा सा स्कूप कर दिया गया जिससे कि मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा नी रूम मिल रहा है, लेग रूम भी मेरे को ठीक ठाक ही मिल रहा है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। देखो मैं काफी कंफर्टेबली वैसे यहाँ पे बैठा हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाता है मैगजीन होल्डर, इस साइड पे भी सेम कहानी है, एसी वेंट पीछे यहाँ डाल दिया और यहाँ पे फोन रखने का स्पेस है। नीचे दो टाइप सी के सॉकेट्स भी है और हम जो है वो मीडियम साइज का मिलता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अंडर थाई सपोर्ट आपको यहाँ पे डिसेंट सा मिल जाता है और अपना जो 60-40 स्प्लिट सीट्स है उसका फंक्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रॉपर थ्री पॉइंटर सीट बेल्ट है सारे पैसेंजर्स के लिए, आइसोफिक्स सीट माउंट्स भी इन्होंने डाल दिया है और यहाँ पे पीछे भी आपको इल्यूमिनेशन मिलता है हैलोजन में। यहाँ पे कोट हैंगर हो गया हैंडल के साथ, यहाँ पे सिर्फ हैंडल है। वैसे इस कार में ABS विद DVD है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, 6 एयरबैग्स है, हिल होल्ड है, ब्रेक असिस्ट है, ESC है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट है, मतलब तमाम जो सेफ्टी फीचर्स है ना ADAS को छोड़ के सारे के सारे इस कार और इस वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अंडर द हुड मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें इंजन ऑप्शंस क्या मिलते हैं आपको ग्रेविटी एडिशन में। तो ग्रेविटी एडिशन अगर आप लेते हो तो आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, फिर 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाएगा और 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी मिल जाएगा। फिलहाल अपने पास जो कार है इसमें 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, 4 सिलेंडर वाला, जो कि पावर निकाल के दे देता है अराउंड 82-83 BHP और टॉर्क आउटपुट इसका है 130 न्यूटन मीटर्स। टर्बो पेट्रोल लोगे तो आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाएगा, माइलेज थोड़ी ड्रॉप होगी, डीजल लोगे तो परफॉर्मेंस भी मिलेगा माइलेज भी मिलेगा। तो मतलब ग्रेविटी एडिशन हर एक टाइप के बंदों के लिए बनाई गई है, सारे के सारे इंजन ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं और टर्बो पेट्रोल में आपको IMT का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे वैसे कोई इंसुलेशन नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड ये वाली इंजन आती है। तो मेन मुद्दे की जो बात रह जाती है वो है कि क्या ये वेरिएंट लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो भाई साहब बिल्कुल आंख बंद करके आप इसकी तरफ जा सकते हो क्योंकि 10.5 लाख एक्स शोरूम में आपको जो ये फीचर्स मिल रहे हैं सारे के सारे, मैंने आपको दिखा दिया कितने सारे अंदर प्रीमियम फीचर्स मिल रहे हैं और ये जो टॉप मॉडल वाला पूरा लुक मिल रहा है बाहर से, मैं बार बार कह रहा हूँ कोई भी बाहर से अगर देखे ना तो पहचान नहीं पाएगा कि एक लोअर वेरियंट है, ये टॉप वेरियंट नहीं है क्योंकि सारे एलिमेंट्स टॉप मॉडल वाले बाहर इन्होंने डाल दिया। तो बिल्कुल थम्सअप की रिपोर्ट है मेरी तरफ से, इसकी तरफ आप बिल्कुल जा सकते हो। तो यही था वीडियो, आप लोग बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, और किया कि कोई भी कार लेनी है तो गैंजेस किया पे आ जाना। वीडियो को शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था शोरूम का जो एड्रेस है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।